एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करना चाहती हूँ। शादी चक्कर नहीं होता, मंजिल होती है हर लड़की। पर पापा मेरी आखिरी मंजिल शादी नहीं है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। दरअसल नेहा और निकिता जुड़वा है। कितनी प्यारी है ना? ये जबरदस्ती की शादी है। तेरा और राजीव का रिश्ता तो भगवान ने ऊपर से बना के भेजा है। मैं निकिता नहीं। मैं जानता था जब हम लोग साथ फेरे ले रहे थे तो मुझे पता था कि तुम निकिता नहीं नेहा हो। हटो 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 हटो, पहले मुझे जीजा जी के साथ नेक बेक के बारे में बात कर लेने दो, क्योंकि एक बार इन्होंने निकिता को देख लिया ना तो हम सबको तो भूल ही जाएंगे। चलिए जीजा जी। भैया राजीव बड़े किस्मत वाले हो जो छोटी साली नसीब हुई है। नहीं कुछ नहीं, कैसी हैं आप? राजीव जी मैं नेहा नहीं निकिता हूँ। अगर मैं चाहती तो ये बात आपसे छिपा भी सकती थी, लेकिन मैं किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहती। राजीव जी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मैं बस मजबूर हूँ अपने सपनों के हाथों। प्लीज मान लीजिए, प्लीज अब देखो। आपका शुक्रिया अदा करिए। पांव छूकर नहीं, बाहों में आकर करो। राजीव आपको सब कुछ पता था, फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं कहा। आपने मेरे माँ बाप की इज्जत बचाई। इस कॉन्स्पिरेसी का मैं भी उतना हिस्सा हूं जितने कि तुम हो। मैंने भी जानबूझकर सब कुछ छुपाया। लगता है तुम्हारे चीजें के डरते तुम्हें अच्छा प्रसाद दिलाया है। पसंद है? बहुत। राजीव मम्मी पापा को पता चल गया होगा, उनका क्या हाल होगा? मैं क्या कहूंगी उनसे? डोंट वरी, हम लोग कल वहां जाएंगे और उनसे माफी मांग लेंगे। उनका शुक्रिया अदा भी तो करना चाहता हूं मैं कि इतना अच्छा तोहफा मुझे दिया। हाँ चलो भाई, सब अच्छे से निपट गया। बाराती भी बहुत खुश थी।
बड़ी तारीफ कर रहे थे। पहले तो मुझे शादी के अरेंजमेंट से घबराहट हो रही थी, आप तो जानती है ना दीदी, सब कुछ कितना जल्दी जल्दी हो गया, और अब इस समेटा समेटे से मुझे घबराहट हो रही है। अरे भाभी, तुम तो बहुत किस्मत वाली हो जो एक को पार लगा दिया। वैसे भी अपनी निकिता जो थी उसके रंग ढंग थोड़े ठीक नहीं थे। भैया बहुत अच्छा काम किया आपने जो उसे घर गृहस्थी के चक्कर में डाल दिया। आप तो गंगा नहा लिए भैया, अब देखो मेरे हिस्से की गंगा जी की डुबकी कब लिखी है। हमारी सोनिया के तो भाग्य ही सो रहे हैं, पता नहीं कब उठेंगे। अरे भाभी, वो निकिता से 3 साल 7 महीने और 9 दिन बड़ी है, बताओ। दीदी आप कैसी बात कर रही है, और वैसे भी सोनिया की उम्र कहां निकल जा रही है। अपने पैरों पे खड़ी है, अच्छे खासे पैसे कमा रही है, आप परेशान क्यों हो रही है। शीला, इसे तो नाखुश रहने की आदत है, बचपन से ही ऐसी है। आ रहने दीजिए भैया। मेरा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। चाय पिलवा दी थी मैं, बनाती। अरे नहीं, तुम रहने दो, मैं उसे ढूंढती हूँ और उसी को कहती हूँ चाय बनाने के लिए। बिचारी नेहा अकेली हो गई, एक दूसरे के बिना रहने की आदत ही नहीं ना दोनों को। उसके लिए भी देखते हैं कोई अच्छा सुराग। हाय हाय भैया, भाभी लुट गए, बर्बाद हो गए। ये देखो क्या हुआ, क्या गोल खिला कर गई है तुम्हारी राठी। अरे निकिता की शादी राजीव से नहीं, नेहा की शादी हो गई है राजीव से। ये आप क्या कह रही थी। तो मैं कह रही हूँ, देखो लिखा है भाग गई बम्बई हीरोइन बनने के चक्कर में, और यहाँ पर एक फिल्मी ड्रामा खड़ा करके चली गई। अरे भाभी, मुझे तो लगता है आज ही कन्नी देखने के लिए तुमने जुर्मा पैदा किए थे। हाय हाय भगवान, नेहा का क्या होगा। पता है क्या लिख कर गई है, हीरोइन बनने का एक ही मौका मिल रहा है मुझे, जैसे दुल्हन बनने के तो उसे हजारों मौके मिल जाते थे। हे भगवान, नेहा नेहा को कुछ मत कहना, इसमें नेहा का कोई कसूर नहीं है बेचारी का। मुझे तो ये डर लग रहा है कि जब उसके ससुराल वालों को राजीव को ये पता चलेगा, हे भगवान, वो उसका क्या हाल करेंगे। बेचारी नेहा, क्या होगा उसका। जीती रहो बेटा। शालिनी, तुमने निकिता को तो बता ही दिया होगा कि नई नवेली दुल्हन को पहले दिन ये सब कुछ खाना पड़ता है। नए दामाद के लिए भी यही रिवाज लागू पड़ता है, मैं गुजर चुका हूँ इनसे हालात से। चलो चलो शुरू हो जाओ, चलो हटो भी हटो। निकिता ये तो यूं ही कह रहे हैं, इन्हें मजाक करने की बहुत आदत है। बेटा तुम्हारा जो दिल करे वो खाना, एंड फील फ्री। यार राजीव, ये क्या, नई दुल्हन के आते यार दामाद का पता तो कट गया। दीपक जी, हाँ जी, शायद आपको हमारे घर की एक और पता नहीं पता, जब नई बहू आती है तो पुराने दामाद को ये सब खाना पड़ता है। अरे क्या बात है, क्या बात है, मंजूर है मुझे, मंजूर है। बहू जल्दी आना बेटा, आज पड़ोस की कुछ औरतें तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए आएंगी। जी मां। बस बस बेटा, जीते रहो। यार राजीव, दामाद बन के जा रहा है तो एक एक्सपीरियंस दामाद से टिप लेते जा। कहियो गुरुदेव। बेटा बन जाना। राजीव, तुमने अभी घर में बताया नहीं कि मैं निकिता नहीं नेहा हूं। नहीं, अभी नहीं बताया, आज ससुराल में तुम्हारा पहला दिन है। मैं जानता नहीं था कि मेरे घर वाले किस तरह से रिएक्ट करेंगे, और आज पहले दिन आई डिडंट वांट एनी अनप्लेजेंट फीलिंग्स। लेकिन अगर मैंने तुम्हें एज नेहा एक्सेप्ट कर लिया है तो मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे तो तुम्हारे घर वालों की फिक्र है, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे।
अरे भैया अभी तो बेटी की विदाई की थी, अब उसी को फिर से घर बिठाने की तैयारी कर लो। दीदी क्या कह रही आप ये? हाँ हाँ क्या गलत कह रही हूँ मैं? अरे भाभी तुम्हारी एक बेटी ने तुम्हारी नाक कटा दी, दूसरी भी बस आती ही होगी। माँ आ गई, अब संभालो इसे, सारी जिंदगी घर में बिठा के रखना। ससुराल वालों ने शादी के दूसरे दिन ही घर से बाहर निकाल दिया। शादी के बाद पहली बार घर आया हूं, मुस्कुरा कर वेलकम नहीं करेंगे? आप फिक्र मत कीजिए, मुझे सब कुछ पता है। आप नेहा का ससुराल ही उसका घर है और वो वहां बहुत खुश रहेगी। चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया, वरना इन दोनों लड़कियों ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। हाय हाय जरा देखो तो मेरे भैया की शक्ल, क्या से क्या हो गए हैं बेचारे। पापा निकिता को माफ कर दीजिए और मुझे भी, क्योंकि इस धोखे के खेल में हम दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। मैं क्या करती पापा, निकिता अपने आप को मारने की धमकी दे रही थी। हाँ मां इस दुनिया में निकिता शायद अकेली दुल्हन थी जो शादी के नाम से कांप रही थी। डर गई पापा, निकिता की लाचारी को देख के मैं बहुत डर गई और वो बेचारी तो मजबूर थी अपने सपनों के हाथों। बहने हैं ना छुड़वा है, इसीलिए निकिता का दर्द मैं देख नहीं पाई। कैसे रो रही थी वो उस दिन। नेहा तो समझने की कोशिश क्यों नहीं करती, बॉम्बे से कास्टिंग डायरेक्टर आया है, नेहा ऐसी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में बार बार नहीं मिलती। कैसे दफना दो अपने सारे सपने इस घूंघट के नीचे। हे भगवान क्यों दे दी इतनी सारी ख्वाहिशें इस दिल में। नेहा उस कला का क्या फायदा जिसे निकलने का मौका ही ना मिले। नहीं नेहा नहीं, मैं अपनी इच्छाओं को अपने दिल में जीते जी दफन नहीं कर सकती, तो मेरे साथ ही मरेगी। हाँ बार बार मरने से तो अच्छा है कि एक ही बार मर जाऊं। नहीं नेहा नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन ये जानी नहीं करूंगी। निकिता संभाल अपने आप को, पागल हो गई है क्या? देख दोनों की क्या हाल बना दिया है अपना। अरे पगली दुल्हनों के चेहरे तो खुशी से दमकते हैं और तेरा चेहरा देख। निया, एक रास्ता है मेरे पास, एक तो ही है जो मुझे अपने सपनों की मंजिल तक पहुंचा सकती है, चल मेरे साथ। देख निया तेरा भी एक सपना है, एक प्यार करने वाले पति का, एक छोटे से परिवार का। हाँ निकिता पर तू कहना क्या चाहती है? सुन नेहा मेरी बात समझने की कोशिश कर, इस वक्त एक तू ही है जो मेरी मदद कर सकती है। निकिता मैं? हाँ तू। देख नेहा तू मेरी जगह राजीव से शादी कर ले। क्या तू पागल हो गई है क्या? बड़ा समझाया मैंने उसे, खानदान की इज्जत की दुहाई दी, तरह तरह की दलीलें बहाने, पर उस पर मेरी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा था। मैं क्या करती, हमेशा की तरह उसने मुझसे अपनी बात मनवा ही ली, 3 मिनट मुझसे बड़ी होने का रोब जमा ही लिया उसने मुझ पर। आ
आप कन्यादान कर रहे थे निकिता का, पर राजीव के हाथों में हाथ थमाया था आपने नेहा का। पापा मुझे माफ कर दीजिए। बस कुछ मत कहो, तुम भी अपनी बहन की बातों में आ गए। पता नहीं कितने लोगों की आंखों में धूल झोंक कर वो चली गई। उससे मुझे कोई उम्मीद तो नहीं, लेकिन इतनी नाउम्मीदी भी नहीं थी। पापा आप निकिता के साथ ज्यादती कर रहे हैं। पापा प्लीज कम से कम आप ये बात तो अप्रिशिएट करिए कि निकिता ने राजीव को सब सच बता दिया। पापा अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं, मैं जानता हूं निकिता ने जो भी किया वो सही नहीं है, पर जो आपने किया वो भी गलत है जी। अगर आप उसके साथ इतनी सख्ती से ना पेश आते तो शायद वो ये कदम नहीं उठाती। आपको उसके साथ एक पिता नहीं, एक दोस्त बन के बर्ताव करना चाहिए था। लेकिन आपको मैं एक बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नेहा मेरी जिंदगी में आई है, ये मेरी खुशकिस्मती है। हमें बस सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे इसका गम है कि मैंने एक बेटी खो दी, लेकिन इस बात की खुशी है कि एक बेटा मैंने पा लिया। किस्मत बड़ी अच्छी है, पूछे क्यों? क्यों? देखिए ना, दामाद को आपको पहले से ही फर्स्ट क्लास मिल गया है। दीपा? नहीं। और अब बहू मिली है, वाह, उसका भी जवाब नहीं। शालिनी, बेटा जरा फोन पकड़ाना। किसको फोन करना है माँ? आज आस पड़ोस की कुछ औरतें बहू की मुंह दिखाई के लिए आ रही हैं। सोचती हूँ राजीव और निकिता को याद दिला दूं,
और बहू की माँ से कहूँ कि हमारे घर की रौनक को उसके घर जल्दी से भेज दे। मम्मी जी, अब हम भी निकलते हैं। इतनी जल्दी? आप ये भूल रही हैं कि आपकी ये लड़की हमारे घर की भी रौनक है। हेलो। हाँ, कौन बोल रहा है? मैं गायत्री, आप कौन? अरे मैं निकिता की बुआ, पहचाना आपने मुझे? क्यों नहीं पहचानेंगे, अभी कल ही तो आपसे इतनी पक्की रिश्तेदारी जुड़ी है। वो राजीव और निकिता निकल चुके, आज कुछ पड़ोस के लोग मुंह दिखाई के लिए आ रहे हैं। नई बहू से मिलने आ रहे हैं ना, तो वहाँ निकिता क्या करेगी? क्यों, मैं समझी नहीं। अब नेहा से बात करवा दीजिए मेरी। नेहा तो यहाँ नहीं आई। अच्छा, तो आपको पता नहीं है क्या? अब गायत्री जी रहने भी दीजिए, आप बेकार में मेरे मुंह से बात निकलवाना चाह रही हैं। कहीं ना पहेलियां क्यों बुझा रही हैं? नहीं गायत्री जी, रहने दीजिए प्लीज। कहिए। अच्छा बाबा ठीक है, तो सुनिए, साफ बात ये है गायत्री जी कि आपके घर में जो बहू बनकर आई है ना, वो निकिता नहीं है बल्कि नेहा है। नेहा क्या?